नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा में सचिवालय नई भर्ती निकली है जिसमें 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पद रहेंगे? डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा, भर्ती के रहेंगे, ड्राइवर का रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड के रहेंगे, लिपिक के रहेंगे, सहायक कार्यालय सहायक के रहेंगे, बस विभिन्न पद रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं, योग्यता क्या रहेगी, इसमें हमको सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सभी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यही बताएंगे आप कि आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं। एंड जैसे कि आप सभी को बताया, हमारी वेबसाइट भी है जिस पर हम हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना है। उस पर लिखना है आपको गौर न्यूज 24। गौर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार विधानसभा में 183 पदों पर भर्ती निकली है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। नवीन अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वेबसाइट को भी जरूर फॉलो कर लें। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें कि भर्ती का पद कौन कौन सा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पद हैं। आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 29/11/2024 से, जो कि 13/12/2024 तक चलने वाले हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आवेदन करना चाहते हैं तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹675, एसटीएससी के लिए ₹180, ड्राइवर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं तो ₹40 आपको रहेगा और एसटीएससी के लिए ₹100। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ₹400 रहेगा, एसटीएससी के लिए ₹150 रहेगा। टोटल पद अगर हम बात करें दोस्तों, तो 183 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और कौन कौन से पद पर भर्ती निकले, तो सुरक्षा प्रहरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चालक है, कार्यालय परिचालक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, लिपिक है, निजी सहायक है, आंसू लिपिक है, पुस्तकालय परिचारी है, कार्यालय परिचारी है, कार्यालय परिचालक के बाद माली है, कार्यालय परिचालक सफाईकर्मी। तो यहाँ पर यह पद देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा आपकी 18 से 25 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 से 25 साल के बीच के हैं तो इसमें आप जरूर आवेदन करिए। उम्र की गिनती आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार से की जाएगी। अगर हम बात करें कि 10वीं 12वीं से भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पद के अनुसार आपके क्वालिफिकेशन रहती है। ड्राइवर के लिए आप करना चाहते हैं तो आपके पास हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो लेवल 3 के अनुसार तीसरे वेतनमान के अनुसार आपको 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। अन्य अलाउंस भी आपको साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। अन्य अलाउंस यानी कि आपको रहने का खर्चा, पेट्रोल, ये सब आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका लिखित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है इसमें, तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट vidhansabha.v.nic.in पर जाना है। होम पेज पर रिक्वायरमेंट टैब पर आपको क्लिक कर देना। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कौन से पर भर्ती पर क्लिक करना है, ठीक है। DIO, ड्राइवर सुरक्षा गार्ड और कार्यालय परिचालक की भर्ती के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन ओ कर देना है आपको, फिर आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, फॉर्म भरना है, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस जमा करना, उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना, आगे के जरूरत के लिए प्रिंट आउट लेकर जरूर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आप बिहार विधानसभा में निकली 183 पदों की भर्ती के पूरा जो है वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वेबसाइट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।